गिवन है दो मासेज हैं M1 और M2, वो एक पुल्ली से कनेक्टेड हैं। क्लियर? जैसे वेल से आपने देखा होगा बाल्टी निकालते हैं तो एक ऊपर पुल्ली लगी होती है, उसके थ्रू हम सीधा भी डाल के निकाल सकते हैं, बट पुल्ली से इजियर क्यों होता है? क्योंकि जब ये सर्कुलर मोशन होगा पुली में तो आपकी फोर्स कम रिक्वायर्ड होगी। क्लियर? अब उसी का फॉर्मूला हम कर रहे हैं। देखो सपोज एक तरफ मास M1 है और दूसरी तरफ मास M2 है। क्लियर? सपोज अभी हम मान रहे हैं कि M2 जो है वो M1 से ग्रेटर है। क्लियर? तो ये इस तरफ मूव करेगा। क्लियर? अभी जो वेट है, ध्यान से देखो, वेट इसका वेट क्या हो जाएगा, M2g, और इसका वेट M1g। इसमें टेंशन ऊपर की तरफ, दोनों में टेंशन क्या होता है, अपोजिट टू द वेट। क्लियर? टेंशन हमेशा अपोजिट टू द वेट होता है, स्ट्रिंग में आपका टेंशन जनरेट होता है। अब ये सपोज देखो M2 अगर ग्रेटर है M1 से तो पुली सिस्टम धीरे धीरे इधर की तरफ झुकता जाएगा। क्लियर? जैसे आपने वो बैलेंसिंग वाला देखा होगा कभी, तराजू वो उठा के करते हैं तो जिस तरफ वेट ज्यादा होता है वो नीचे की तरफ गिरने लगता है। क्लियर? वही चीज इसमें भी होगा। सपोज ये एक्सेलरेशन A से नीचे की तरफ जा रहा है तो ये एक्सेलरेशन A से ऊपर की तरफ जाएगा। क्लियर हुआ? अब इस वाले में अगर हम देखें ऑब्जेक्ट किस तरफ मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ, यानी टेंशन ज्यादा या वेट ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है। तो इस वाले में क्या बनेगा, T-M1g इक्वल्स टू कितनी फोर्स से ऊपर मूव कर रहा है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, M1, एक्सेलरेशन A। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, T-M1g इक्वल्स टू M1a। क्लियर हुआ? दूसरी इक्वेशन आपकी, अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, अब इसमें क्या ज्यादा है, वेट ज्यादा है टेंशन ज्यादा है, वेट। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव कर रहा है। सो वेट यानी कि M2g-t इक्वल्स टू M2a फाइनली इस तरफ मूव कर रहे हैं, इसलिए आपकी ये इक्वेशन बनी। यहां तक क्लियर? अब दोनों इक्वेशन को हमने सपोज ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि एक में प्लस टी बन रहे, एक में माइनस टी बन रहे, ऐड कर देंगे तो टी आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर? सो क्या आ जाएगा, M2g-M1g, देखो T-T हमने कैंसिल कर दिया, प्लस वाले को आगे लिख लिया, इक्वल्स टू M1a+M2a। यहां तक क्लियर? हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ए यहां से हमने कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, M1+M2 ब्रैकेट में एक्सेलरेशन कॉमन, M2-M1 यहां से हमने जी कॉमन ले लिया। क्लियर? अब एक्सेलरेशन हमें बताना है, तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, M2-M1/M1+M2 G। क्लियर? M1+M2 हमने इधर शिफ्ट कर दिया। सो अब हमने देखो जैसे क्वेश्चन में बोलता है M2 > M1 है तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव आएगा, और एक्सेलरेशन क्या होगा, देखो डिफरेंस ऑफ M2-M1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ मासेस इनटू जी। अब एक्सेलरेशन जी से ज्यादा आएगा या कम आएगा बताओ? अब यहां पे क्या हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है मासेस का, तो डिफरेंस कम हो जाएगा ना, लेस देन वन हो जाएगा अगर हम ये फ्रैक्शन की बात करें तो। क्लियर? सो एक्सेलरेशन इस केस में हमेशा लेस देन जी ही आएगा। क्लियर यहां तक? नाउ उसके बाद बेटा आपका एक्सेलरेशन लेस देन जी हो गया, अब टेंशन भी निकालना है हमें, तो टेंशन कैसे निकाले इन दोनों इक्वेशन से, क्या करके, डिवाइड कर दें अगर हम 1/2 तो क्या होगा, ए कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, M2g - t इक्वल्स टू M1/M2। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, M2t - M2 M1g क्लियर इक्वल्स टू के उधर M1 M2g - tm1। क्लियर? अब t वालों को एक तरफ शिफ्ट कर दिया, यानी M2t इधर है ही पहले से, और उधर से प्लस M1t ले आए, tm1 को M1t लिख लिया, और इधर M1 M2g है। ये देखो ये दोनों सेम चीजें हैं, इसको उधर भेजा वहां जाके प्लस हो जाएगा, M1 M2g + M1 M2g यानी कि 2M1 M2g, और यहां से हमने T कॉमन ले लिया तो M2 + M1 × T, सो T इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका फाइनली 2M1 M2
जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, क्लियर? एम वन प्लस एम टू लिख लो या एम टू प्लस एम वन, क्लियर? तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया आपका और ये टेंशन का फॉर्मूला बन गया इसमें, क्लियर?